नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। वैसे तो ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बहस का, लेकिन इस वक्त इस जज्बे की चर्चा ज्यादा जरूरी है जिसके दम पर सुरंग को चीरकर जिंदगी की जीत होने जा रही है। उस सुरंग पर नजर जरूरी है जिस पर पूरे देश की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। वो सिलक्यारा की सुरंग जो उत्तरकाशी के इलाके के अंदर है, जहां रेस्क्यू टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं, और उनकी कोशिशों और इस सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों के बीच फासला बहुत कम बचा है, और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द ये फासला खत्म, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ 11 दिनों से 41 मजदूर लगातार फंसे हुए हैं। दोनों के बीच में मलबे की बस अब छोटी सी कुछ मीटर की दीवार बची है। शाम 6 बजे तक सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी थी, और अब यह फासला और कम हो गया है। 41 मजदूरों तक खाना पानी पहले ही पाइप के जरिए पहुंचा दिया गया था, और अब सिर्फ थोड़ा सा और मलबा हटाना बाकी है और उन्हें सुरक्षित निकालकर रोशनी में लाना है। और यह अच्छी खबर थोड़ी ही देर में आ सकती है, इसकी उम्मीद की जा रही है। सिलक्यारा में टनल के बाहर जी न्यूज लगातार मौजूद है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह और उनके कैमरामैन रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 41 मजदूरों को बचाने के लिए तमाम मशीनरी फुल स्विंग मोड में काम कर रही है। एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में ऐसी 29 सुरंगें का सुरक्षा ऑडिट करने का भी निर्णय लिया है, जिनका इस वक्त निर्माण चल रहा है। अगले एक घंटे में सिलक्यारा टनल पर अपडेट देने के लिए आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के 5 प्लान भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि 41 मजदूरों की सलामती के लिए रेस्क्यू टीम के साथ देश के लोगों ने भी प्रार्थनाओं में कितना जोर लगाया है। बारह मीटर और कवर करना बाकी है जिस पर काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। जो इस पूरे काम में लगे हुए टेक्नीशियंस हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उसके सदस्य आपको दिख जाएंगे। बोला कि हम लोग ठीक है, और मैं भी बोला कि चलो मैं बाहर तो इंतजार कर ही रहा हूँ, जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक मैं रहूंगा, वेट करूंगा। हमको तसल्ली पहुंची, सारे देश में तसल्ली पहुंची, परिवार को तसल्ली पहुंची, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे, और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लेंगे। तो एनडीआरएफ से लेकर तमाम विशेषज्ञ लगातार सिलक्यारा टनल में कोशिश कर रहे हैं उन जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए, और पूरा देश उनकी इन कोशिशों के साथ साथ प्रार्थनाएं कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर आपको अपडेट देने के लिए सीधे रुख करेंगे, मेरी सहयोगी अंजलि सिंह उस जगह पर मौजूद हैं, साथ ही कहां खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन भटनागर जो कि पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, साथ ही पीके मिश्रा जो विशेषज्ञ हैं एनडीआरएफ के, जानकार हैं और इस तरीके के ऑपरेशंस की पेचीदगियां बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। साथ ही उन परिवारों का भी रुख करेंगे, क्योंकि इस टनल के अंदर फंसे दीपक के जो परिजन हैं विश्वजीत, जो उनके भाई हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही इस टनल के अंदर फंसे हुए अन्य परिजनों का भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, सबसे पहले तो ये बताइए अभी क्या स्थिति वहां पर और फासला कितना कम बचा है। जी देखिए, आपको बताएं कि आधिकारिक अपडेट जो मिला था वो 12 मीटर के फासले का ही बाकी था, और तब से अब तक करीब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। तो अगर अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन एक पाइप जो है, अगर इस पूरे दौरान में एक पाइप तो कम से कम और आगे चला गया होगा। हालांकि 8 बजे के करीब एक ब्रीफिंग होनी थी, जिसका अभी इंतज़ार किया जा रहा है, और आपको साथ साथ हम इस टनल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए अंदर किस तरह से काम जो है वो चल रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का लगातार काम टनल के इसी एंड से चल रहा था, अभी भी आप देखेंगे कि वहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा है। तो ये जो वेल्ड पाइप्स को वेल्ड करके आगे भेजने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी है। थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ की एक टुकड़ी यहाँ पर अंदर गई, जिन्होंने ब्रीदिंग एपरेटस लगाए हुए थे, वो अंदर तक होकर आए हैं, और अब ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ और घंटों का इंतजार ही सही, लेकिन एक अच्छी खबर सामने निकल कर आएगी। बहुत मुश्किल रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि हम पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं और हमने देखा है कि किस तरह से बीच में कई अड़चनें आई, कई व्यवधान आए, लेकिन उसके बाद भी ये जो रेस्क्यू टीम है ये लगातार यहाँ पर डटी रही, और आज उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम जो अभी तक की जितनी भी मेहनत रही है उसका फल आज जरूर मिलेगा। जी
बिल्कुल अंजलि, और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि टनल का जो मुहाना आप दिखा रही हैं उससे जल्द से जल्द वो तस्वीर सामने आए जब वो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सके। लेकिन कितना पेचीदा, कितना मुश्किल है ऑपरेशन। नवीन भटनागर जो कि पूर्व DIG हैं NDRF का, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। सर, आप इस तरीके के कई ऑपरेशन हैंडल करते रहे होंगे, लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन में, क्योंकि 11 दिन से का वक्त हो चुका है, उन 41 जिंदगियों को निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है, कई बार टैक्टिक्स चेंज की गई, मशीनें चेंज की गई, क्या मुश्किलें और कितनी देर का इंतजार देश को और करना चाहिए? देखिए, ये जो रॉक्स है, हम सभी को पहले भी बता चुके हैं, कई चैनल पर भी बोला है, ये एक्चुअली सैंडी रॉक्स है। और इसमें क्या है कि बीच बीच में वाटर स्टैग्नेशंस है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आई कि मिट्टी एकदम लूज हो गई और वो बीच में जो हमारा 50 मीटर का जो दायरा था वहाँ पर वो धसक गई पहाड़ी, मिट्टी और बोल्डर्स आ गए बीच में, जिसके चलते वो उधर के मजदूर फंस गए उस साइड में और इधर मजदूर के बीच में गैप आ गया। अब क्या हुआ है कि जब हम लोगों को जब कुछ नहीं जाने का रास्ता मिला जी, तो ये अमेरिकन ऑगर मशीन। बिल्कुल नवीन सर, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन अंदर जो टनल के अंदर फंसे हैं दीपक, उनके मामा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। सर, आप सुन रहे होंगे, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जो कल सरकार की तरफ से सामने आई थी, उन परिजनों की भी जो चिंताएं हैं, आप क्या कुछ इस समय महसूस कर रहे हैं, परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं सबके परिवार लगभग एक ही जैसी प्रार्थनाएं इस समय कर रहे होंगे। सर, ऐसा है कि हम लोग भी 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग भी उम्मीद लगा के हैं कि कितना जल्द हो सके हमारे जो बंदे फंसे हैं वो बाहर निकल पाए, और इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि बस थोड़ी देर बाद गुड न्यूज मिले। और क्या बोलूँ, बस 10 दिनों से तो यहाँ पर बैठा हूँ जी। जिस तरीके से बातचीत करवाई जा रही है, क्या आपकी दीपक से कोई बातचीत हो पाई, कोई संपर्क हो पाया, कोई ऑडियो मैसेज, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई लोगों के परिजनों की बात भी करवाई गई, उनके ऑडियो मैसेजेस एक्सचेंज करवाए गए? जी जी, बात तो हुई है आज जी। क्या कहा? बातचीत हुई थी तो बातचीत में पूछा, इधर से पूछे कि कैसा अंदर का हाल है, सब भाई जो फंसे हुए हैं सब लोग ठीक है? तो अंदर से बोला गया कि यहाँ अंदर जितने भी मजदूर हैं वो सब लोग ठीक ठाक हैं, और बस यही आश्वासन दिया कि बस साफ बना के रखो, बहुत जल्द हम लोग प्रयास में लोग लगे हुए हैं, उन्हें निकाल दिया जाएंगे। बिल्कुल जी, निर्भय जी, आपका तो नाम ही निर्भय, और उम्मीद की जानी चाहिए कि दीपक को भी आपने कहा होगा कि उम्मीद का दीपक बनाए रखें और निर्भय रहें, क्योंकि उन तक मदद पहुंचाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। एक बार फिर करूंगा, मेरी सहयोगी अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनके साथ भी कुछ परिजन मौजूद हैं, जो विश्वजीत अंदर हैं, उनके जो भाई हैं इंद्रजीत, वो उनके साथ मौजूद हैं। अंजलि, परिवार के जो तमाम परिजन हैं आपके आसपास, आप पहले भी बात करती रही हैं, वो हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है कि बस जल्द से जल्द वो घड़ी आए जब उनके परिजन उनके साथ खड़े हों। जी देखिए, बिल्कुल आपको हम परिजनों से ही सीधे बात करवा देते हैं। ये इंद्रजीत जी हैं जिनके भाई विश्वजीत अंदर मौजूद हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और साथ में देवेंद्र जी हैं जिनके भाई वीरेंद्र भी इसी टनल में फंसे हुए हैं, ये बिहार से रहने वाले हैं। इंद्रजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाई से आपकी बात तो लगातार होती रही है, लेकिन आज क्या उम्मीद है? आज थोड़ा जो शुरू में आप लोगों को परेशानी दिखाई दे रही थी चेहरे पे, आज वो राहत है आप लोगों को? हाँ, वो तो राहत है। आज सुबह मैं जब अंदर गया था टनल के अंदर, तो मैंने बातचीत की, तो वहाँ जो इंजीनियर वगैरह थे उसने बताया कि आज ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने सामने भी देखा कि आज लोग अच्छी तरह से काम कर रहे थे और लास्ट अंजाम तक पहुंचने की उम्मीद थी, तो बहुत अच्छा खुशी महसूस हुई। हम देवेंद्र किश्कू जी से भी बात करेंगे, आप माइक इन्हें दे दें। और ये वीरेंद्र किश्कू जो इनके भाई हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। आप उस दिन कह रहे थे कि दिवाली और छठ सारा यहीं बीत गया इस टनल के आगे, आज लग रहा है कि अब घर लेकर जाएंगे आप, और अब छठ दिवाली जो त्यौहार है सब एक साथ मन जाएंगे। क्या कहना है? बस अब खाली निकल जाए, इसके बाद तो सब छठ और दिवाली साथ साथ। आज उम्मीद आप लोगों को बंधी हुई है? आज उम्मीद इसलिए बंधी हुई है कि जस्ट एक पाइप घुस जाए और वो लोग निकल जाए। हाँ। और खास करके आप लोग, आप इंद्रजीत जी कुछ कहना चाहेंगे? इतने दिन से इंतजार कर रहे थे आप लोग, और आज
घर मौका मिलेगा कि आप लोग शायद अभी तो नहीं मेडिकल टीम लेकर जाए लेकिन बाहर निकलने की झलक ही मिल जाए। जो वीडियो आपने देखा था उसमें विश्वजीत दिखाई दे रहे थे आपको। हाँ, मेरा भाई उसमें था। तो अभी तो शायद हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि फोर्स की जो टीम है और मेडिकल की जो टीम है उसका पहला जो फ्लो करने का नियम है उस हिसाब से शायद मैं देख नहीं पाऊंगा। हाँ। लेकिन ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में शायद उनका इलाज होगा तो मैं वहीं रहता हूं तो शायद मैं वहां जाकर उनसे मुलाकात हो पाएगी मेरी। और उसके बाद जो शासन की प्रक्रिया है उसके तहत तो मिलेगा ही। तो हमारे झारखंड सरकार से भी अधिकारी लोग आए हुए हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो ये बाई जी जिस रूट से वो जाना चाहेंगे उस तरह से। अच्छा, ये बताइए जी आप परिवार, देखिए परिवार के अंदर जो खुशी की बात है ना वो इतने दिन से इंतजार यहाँ पर लगातार कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा जो इंतजार है वो करने को सब तैयार है लेकिन यही उम्मीद करें कि जल्द से जल्द सब बाहर निकल आए। जी बिल्कुल अंजलि, और परिवार के लिए जो आखिरी का इंतजार होता है सबसे ज्यादा एंग्जाइटी वाला कहा जाए सबसे मुश्किल और भारी पल वही होते हैं क्योंकि अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं और लगता है कि ये घड़ियां जल्द से जल्द पूरी हों और जल्द से जल्द उनके परिजन जो कि बीते 11 दिनों से इस जंग को लड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द वापस बाहर आ सकें उनके साथ आ सकें। Z News.